और व्हाट्स अप गाइस, मैं आ चुका हूं फिर से। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और पहलवान की धमाकेदार वीडियो में। यार आज वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं पकड़ने द लेजेंडरी लुकारियो को। देखो तुम लोग मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि इस गेम में लुकारियो भी है, सो भाई आप भी लुकारियो को पकड़ के दिखाओ। तुम लोगों ने मुझे ये चैलेंज भी दिया, बट मुझे ये नहीं पता कि लुकारियो मिलने का वाला है। सो बस और गया, हम लोग आज एडवेंचर में निकलना है, ढूंढना है कि हम लोग को कहां पे लुकारियो मिल सकता है। उसी के साथ साथ जिसने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और गाइस स्वागत है सभी लोगों का एक और बार पैरवर्ल्ड की ब्यूटीफुल सी दुनिया में। जैसा कि देख सकते हो, मैं और अपना पायरोलियन निकला है सुबह सुबह सैर करने के लिए। लाइक ऐसी वैसी सैर में नहीं, तुम लोगों को पता है कि अगर मैं पायरोलियन को लेकर निकला हूँ, जो मेरा करेंटली सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, इसका मतलब तो बस एक ही चीज हो सकती है कि आज भी हम लोग को एक खतरनाक से पोकेमोन पकड़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता है, सही भी है। बट इससे पहले गाइस हम लोग वो पोकेमोन्स को ढूंढने जाएं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो कहां होते हैं। बस मुझे एक रफ आइडिया सा मिला है कि इन माउंटेन्स के एरिया में हमें मिल सकते, लाइक इधर से शुरू करके हम लोगों को पूरा ये एरिया छान माना पड़ेगा, तब शायद कुछ मिल सकता है। बट उससे पहले ना मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि अपने पायरोलियन की ट्रेलिंग कैसी चल रही है। लाइक लिटरली देख सकते हो भाई, हाथी वाती है, 60 लेवल का हाथी है, ठीक है। अपना पायरोलियन भी 60 लेवल का है, बट पावर डिफरेंस देख सकते हो, लाइक ना ही ज्यादा पावरफुल बना दिया हम लोगों ने इसको। मुझे तो लगता है ना भाई, अपना पायरोलियन वोगन को भी अभी बहुत ही ज्यादा इजीली हरा सकता है। बस दिक्कत हुई थी ना लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों को जब मिला था सुप्रीम जॉर्मुंडाइट, उसका यार डैमेज ही बहुत ही ज्यादा है। बट उससे याद है मैं उसको लाना ही भूल गया, बट ठीक है यार, हम लोग इधर टेलीपोर्ट कर लेंगे, आई गेस इधर करते हैं। सो हम लोग इधर से पूरा अच्छे से ढूंढ पाएंगे जिससे हम लोग इसे कुछ भी मिस ना हो। जैसा कि देख सकते हो गाइस, हम लोग इधर पहुंच चुके हैं। बस अभी हम लोग को ये पूरा माउंटेन छान मारना है। बट छोड़ दे भाई, वो बच्चा है लिटरली 10,000 का डैमेज, इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है अपना पायरोलियन। बट इधर लेक कहाँ से आ गई भाई? अच्छा मैं गलत तरफ जा रहा हूँ, हम लोगों को गाइस इन पहाड़ों के ऊपर चलते रहना है। बट लिटरली कह रहा हूँ, जरा सा भी टाइम नहीं लगने वाला है, इतना ज्यादा फास्ट पायरोलियन है ना अपना कि कोई टेंशन ही नहीं है। देखो भाई, मुझे तो अब जेट ड्रैगन भी उतना ज्यादा घूमने के लिए पसंद नहीं है, लाइक फ्लाइंग पोकेमॉन्स में है। बट अगर तुम ऐसे ही कहीं पे जा सकते हो भाई, पायरोलियन बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो बेस्ट है। देख सकते हो इधर कुछ फालतू के ये गुंडे लोग हैं, हम लोग इन लोगों से पंगा नहीं लेना है। मैं नीचे उतर जाता हूँ इधर से, एंड जैसा कि देख सकते हो ये माउंटेन के कोने में तो हम लोग आ चुके हैं, बट अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। मर तो नहीं जाऊंगा ना? चलो सही है गाइस, भाई मर कैसे सकते हैं, अपने पास है द लेजेंडरी फायर लॉर्ड यार, जो इतना ज्यादा सही पोकेमोन है यार। फायर टाइप पोकेमोन्स में ना गाइस हम लोगों को पता है कि कोई भी इसको हरा नहीं सकता, ब्लास्टमोथ वगैरह तो बच्चे है यार इसके सामने। बट नदी में कूद के गलती से भाई इधर से हम लोगों को चढ़ना पड़ेगा यार। पायरोलियन बेचारा नीचे मुझे देख रहा है, रुक जा तू भी बाहर आ जा। ऑलराइट गाइस, हम लोग माउंटेन्स के ऊपर भी आ चुके हैं, एंड हम लोग ये आइलैंड में भी आ चुके हैं यार। बट अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं देख रहा है, क्योंकि ये देख रहे हो लिटरली कितने बड़े बड़े माउंटेन्स है इधर। एंड भाई देख सकते हो यार, आगे जाके तो हम लोग स्नोई वाले माउंटेन्स में भी पहुंच जाने वाले हैं, बट हम लोगों को ढूंढना है कि कहां है। बट जेट ड्रैगन से नहीं होने वाला, मैं पायरोलियन को फिर से बुलाने वाला हूँ। भाई पायरोलियन पे घूमना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुका है, सही बताओ तो। अगर हम लोग देखे, हम लोग को इधर भी तो कुछ दिख नहीं रहा है, बस हम लोग को इस माउंटेन के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके चढ़ लेना चाहिए। आई गेस पायरोलियन चढ़ लेगा, लेट्स गो। चढ़ लिया और थोड़ा सा कर लेगा। बट ये इसका एक ही चीज में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है गाइस, कि इसका जंप ना बहुत ही ज्यादा वीक है, लाइक लिटरली चढ़ ही नहीं पाता है ये कहीं पे। बट ठीक है, अभी के लिए तो जैसे देख सकते हो हम लोगों ने ये वाला एरिया तो सर्च कर लिया, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया अभी तो। हम लोग इधर से उतर जाते हैं, मुसांडा भाई है, मुसांडा भाई के साथ हम लोगों को फालतू के पंगे नहीं लेने हैं यार। I mean, मुसांडा को हम लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए, अभी हम लोग इतने ही ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं यार। बट उसी के साथ साथ जैसे कि देख सकते हो इस वाले पार्ट पे भी हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा, इधर भी पूरा खाली है, इधर भी हम लोग को कुछ नहीं दिखा, इधर कुछ है क्या? नहीं यार, इधर भी कुछ नहीं है जैसे कि
देख ही सकता है। एंड मैं नहीं भाई, फिर से नीचे गिर जाता यार। सो जैसा कि देख सकते हो यार, हम लोगों ने इतने सारे माउंटेन्स भी ढूंढ लिए बट कुछ मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है यार। सो यार हम लोगों को मिल कहाँ पे सकता है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम लोग मुझसे कह तो रहे थे कि लुकारियों को पकड़ो, बट भाई लुकारियों मिलता क्या है ये तो कमेंट में बताना चाहिए था ना तुम लोगों को। अब देखो मुझे पूरा पैलवर्ल्ड का मैप छान मानना पड़ रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली ना इस वाले रीजन में हम लोग नहीं आए, लाइक इस वाले मैप के कोने में। सो इधर हो सकता है लुकारियों, क्योंकि देखो जिस कोने में गए उन सारे कोनों का हम लोगों को चप्पा चप्पा पता है, तो उधर तो नहीं होगा। बट मैं माउंटेन से उतर क्यों गया एंड कहां से रास्ता है इधर से जाने का भाई? रास्ता ढूंढते हैं, पीछे क्लिफ मंग एफिची थी आई गेस। वो रे लेट्स गो, ये भी हम लोग ले लेते हैं, ये हमारे बहुत ज्यादा काम की चीज है। इधर मुसांडा है, मुसांडा के सिवाय तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखा है अभी तक, कोई भी अच्छा खासा नहीं है। प्लस मैं नदी में क्यों गिर जाता हूँ यार। हम लोग फिर से ऊपर चढ़ जाते हैं। पायरोलियन तू भी मेरे साथ आजा ब्रो, इसको भी निकालते हैं। अबे एक सेकेंड, ये कौन सा पोकेमोन है? फेस किट्सन लाइक पोकेमोन तो नहीं है यार आजू। ओ भाई साहब डार्क किट्सन है ये तो, लाइक इसका नाम है फेस किट्सन, बट देखो क्या सही लग रहा है डार्क किट्सन। गाइस मुझे तो लगता है ना ये इस डंजन से बाहर आ गया है, 68 लेवल का भी है भाई। मैंने पहली बार देखा है किसी डंजन के बाहर पोकेमोन को आते हुए, एंड ये कितना खतरनाक दिख रहा है भाई। तू बच्चा है मुसांडा 53 लेवल का है। लो भाई गलत डैमेज पड़ने वाली है लगता है, पायरोलियन को लग तो रही है। पायरोलियन इस मुसांडा को भाई बता इधर बॉस कौन है भाई, जल्दी जल्दी बता, चल चल। ओ भाई मुसांडा ने अच्छा सहन किया है, तो हम लोग इसका हटा देते ऐसे ही। सो गाइस देख सकते हो ये वाला किट्सन देखने में कितना खतरनाक है, इसको हम लोग हराना पड़ेगा। बट इसकी एचपी उतनी ज्यादा नहीं है, सो आई गेस हम लोग इसको इजीली हरा भी सकते हैं। बट जैसे कि देख सकते हो अपने पायरोलियन के अटैक्स बस 7 करके लग रहा है, सो इतना भी ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। बट मैं तो लुकारियों ढूंढने आया था, ये क्या मिल गया भाई, थोड़ा साइड में चलता हूँ, मैं जला देता है ये पूरा फ्लोर। इधर हम लोग ना गए जिसको बुलाते हैं एंड लेट्स गो। ओए वो वाली फायर वॉल बर्बाद हो गई यार, मैंने रोक दिया था, बट ये वाली देने वाले हैं भाई साहब। फायर वॉल से लिटरली ऑलमोस्ट 1000 का डैमेज गया भाई, इसको तो पकड़ना बच्चों का खेल होने वाला है मुझे लगता है यार। लाइक डार्क किट्सन क्या ही सही है, बट मुझे लगता है ना गाइस ये जो फेस किट्सन तुम लोग देख रहे हो ये डंजन से ना कोई बच्चा वाला निकला है, वरना यूजुअली डंजन वाले पोकेमॉन्स ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इससे पहले ना बाकी लोग आ जाए हम लोग इसकी पिटाई करके इधर से निकल लेते हैं गाइस यार। लेकिन इसका ये डार्क अटैक भी कितना ही सही है, बट ये मुसांडा क्यों नहा रहा है भाई, तेरे को नहाने का क्या मन हो गया? बट 92 लेवल का फेस किट्सन क्यों दिखा रहा है मेरे आसपास, कहां है भाई ये? एक सेकंड इधर से निकलना पड़ेगा भाई, इसका पूरा झुंड आ चुका है कि भाई जेट्रैगन का जेट्रैगन भाई जल्दी इधर से निकलना पड़ेगा भाई, इतने सारे आए कहां से? एक सेकंड कोई है भी नहीं इधर यार, अबे ये गेम में कोई। ओ भाई ये है 92 लेवल का भी फेस किट्सन, छोट डंजन से निकला। ओ भाई मेरे पीछे इतने सारे किट्सन कहां से आ गए यार? जैसा कि देख सकते हो इधर 78 लेवल वाले भी किट्सन हैं, इधर तो पूरा बच्चों का ग्रुप निकल चुका है जो कि है 63 लेवल वाले, एंड इनको गार्ड कर रहा है 78 लेवल वाला किट्सन। एंड ओ भाई 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 भाई, भाई इधर देखो और भी किट्सन लोग आ चुके हैं इधर 63 लेवल के, ये सारे के सारे बच्चे ही है, बट इतने सारे किट्सन एक ही जगह पे वो भी डार्क वाले। बट गाइस हम लोगों को फोकस करना है कि हम लोग ओए मुसांडा को उड़ा दिया भाई, बेचारा मुसांडा कैसे गिर रहा है यार। देखो भाई ये लोग तो मुसांडा को बुली कर रहे है भाई, हम लोग को एक को तो पकड़ना है गाइस एटलीस्ट। सो हम लोगों ने जिसको डैमेज दिया था ना हम लोग उसी से फाइट लेने वाले हैं जिससे हम लोग इसको पकड़ पाए। लेट्स गो, फिर से 1000 का डैमेज है, क्या ये आ सकता है? 0% का कैप्चर रेट है, सो आने के चांसेस तो पीछे से भी नहीं है लगता है यार। 1600 का डैमेज, मैं जल्दी से ना अपनी रिंग ऑफ मर्सी पहन लेता हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए कि ये मर जाए किसी तरीके से। एंड भाई 1600 में हम लोगों ने इसकी एचपी तो ला दी है, इसको हम लोग शायद पकड़ सकते भाई, इसको बस पायरोलियन आउटबोर्ड। ओ ओ भाई साहब एक शॉट में अंधेरा कर दिया यार, 92 लेवल वाला इधर ही था।
भाई मैं क्यों इसके साथ मस्ती लेने क्या भाई इधर से चले जा यार, मेरे पीछे क्या कर रहे हैं भाई, माफ कर दे यार। गाइस जैसे कि देख सकते हो ये हमारे भी पीछे पड़ चुका है, अपना पायरोलियन उधर फाइट कर रहा है। पायरोलियन थोड़ी देर के लिए इधर आ जा ब्रो, मेरे को तेरी हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसा कि देख सकते हो 92 लेवल वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लाइक इसको पकड़ना हार्ड होने वाला है। सो गाइस हम लोग भी थोड़ा हाथापाई कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता यार 92 लेवल वाले को हम लोग कर भी सकते हैं जब ये साइड से ये भी डिस्टर्ब कर रहा है। बट हम लोगों को किसी तरीके से कोशिश तो करते रहना है। इसको मैंने 1 HP कर दिया है, 1 HP कर दिया है, उसको मैं काम करता हूं गाइस, ठीक है। देखो जब हम लोगों को 92 लेवल वाला दिख चुका है, सो इसका कोई काम तो वैसे है नहीं, बट मेरे को पकड़ने तो देता यार, तूने इसकी पिटाई ही कर दी सीधा सीधी। पायरोलियन भाई क्या कर रहा है मेरे दोस्त। गाइस यार हम लोग उसको नहीं पकड़ पाए, अभी हम लोगों को इसी को पकड़ना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि वरना देखो बाकी के किट्सन्स ना बच्चे है, एंड ये दोनों ही इस ग्रुप में लाइक बड़े है कह सकते हो। जिसको हम लोगों ने हराया वो भी तो बच्चा ही था। सो जो सबसे ज्यादा पावरफुल किट्सन है, जो इन सब लोगों का बॉस है भाई, इसको हम लोग पकड़ के लेके जाने वाले। बट मैंने आज तक कभी 92 लेवल वाले पोकेमोन के साथ फाइट नहीं लिए, बट अच्छी बात है गाइस, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अभी हम लोगों को गॉड जेट ड्रैगन को भी पकड़ने जाना है। सो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस मैच हो सकता है जो कि हम लोग हार भी सकते हैं। मैं मरने वाला हूँ। पायरोलियन पानी में चला गया यार, पानी में वीक हो जाता है अपना पायरोलियन। लेट्स गो गाइस, पानी पूरा सूख चुका है पायरोलियन के ऊपर से, एंड इसको डैमेज भी नहीं लगता है यार, बट फिर भी 4 करके डैमेज लगा था सर में मारने से, क्योंकि देखा तुम लोगों ने अभी अभी हम लोगों का लेवल अप हुआ, एंड अभी हम लोगों का पायरोलियन और एक लेवल अप हो चुका है। लाइक इतनी देर ये 63 लेवल का था, बट ये लोग कर क्या रहे हैं भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो यार। बट ठीक है, जैसे कि देख सकते हो इसने इसको अटका के रखा है, तो मेरी डैमेज अच्छी खासी लग रही है, मैं खतरे से बाहर। बट उधर मुझे कुछ और किट्स वो धक्का मार के पायरोलियन को भगा दिया भाई साहब। ये बेस किट्सन क्या ही चीज है, क्या ही चीज है, क्या ही चीज है भाई, टच भी नहीं लग रही फिर भी डैमेज लग रहा है, इतना खतरनाक है कि भाई इसको ड्रैगन अटैक्स भी आते हैं, डार्क अटैक भी आते हैं, फायर अटैक भी आते हैं, कितने सारे खतरनाक अटैक्स आते हैं इसको। बट गाइस हम लोगों को इसी को पकड़ना है। पायरोलियन इधर आ, चल एक फायरवॉल मार के दिखा इसको भाई, 30 का डैमेज लग रहा है। इससे पहले जो किट्सन था तुम लोगों ने खुद देखा था उसको हम लोग कितना ज्यादा ही डैमेज दे रहे थे, बट इसको नहीं लग रहा है यार, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि देख सकते हो इसकी 5000 में HP आ चुकी है, बट इसको अभी भी देख सकते हो यार, लाइक मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, देखो 0% का कैप्चर रेट है। सो मैं अपने बॉल्स तो वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। पायरोलियन क्या कर रहा है भाई, मुंह के सामने साइड हो जा भाई, भाई 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 मैं और पायरोलियन हम दोनों का हो गया लगता है, नहीं बच गया भाई। मेरा ये चार्ज नहीं होता है ना, एक तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। लेट्स गो, मैं थोड़ा कवर में गया भाई गया, एंड ये ऐसी जगह पे है ना, इस जगह पे दिख सकते हो लिटरली थोड़ा सा ही लैंड है, बाकी पूरा का पूरा पानी है यार। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, इसको नहीं छोड़ सकते अपने फायरवॉल से भी, इसको डैमेज नहीं लग रहा यार। लास्ट वाले किट्सन का तो अभी तक ऐसे 4-5 किट्सन को हम लोग हरा चुके होते, बट हम लोग इसके बेस से एरिया से बाहर जा रहे हैं बोल के, ये बाकी लोगों को भी बुलाने जा रहे हैं। पानी में कहाँ जा रहे हैं लो भाई, इसको पानी में नहाना इतना ज्यादा पसंद है क्या? एंड पायरोल, ओ भाई अभी समझा, वो पायरोलियन को ना जानबूझ के उधर खींच के लेके जा रहा है, जिससे कि पायरोलियन का अटैक वीक हो। बट भाई 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 पायरोलियन सहन तो कर लेगा, बट मैं नहीं कर पाऊंगा भाई 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 भाई, गया गया गया, बच गया ब्रो, बच गया किसी तरीके से यार। ये 92 लेवल का है, इतना ही ज्यादा पावरफुल है भाई, इसको लेके मुझे खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है ना गाइस, डार्क किट्सन तो बहुत ही ज्यादा लाइक हद से ज्यादा पावरफुल है अपने किट्सन के कंपैरिजन में। देख सकते हो नॉर्मल वाला किट्सन ना बच्चा लगता है यार, इसके सामने ये क्या सही लग रहा है ब्रो यार। इसके ऊपर देख रहे हो जैसे तुम लोग एक गोल्डन गोल्डन सा ऑरा भी है, जो इतना ज्यादा मस्त लग रहा है। ऑरा तो नहीं, लाइक इसके हाथ पैर में ब्रेसलेट जैसे है, सो वैसा लग रहा है। एंड एक चीज भाई, उसके साथ साथ जैसे कि देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड के साथ भी ना इसका मस्त जचेगा भाई, ये वाला पोकेमोन हम लोगों को चाहिए, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड के साथ भी मस्त मैच खा रहा है। उधर देख सकते हो उधर से भी एक 78 लेवल का किट्सन आ रहा है, क्योंकि ये बुला रहा था भाई तब से इन लोगों को। अरे यार भाई लग गया यार, एक कोई हम लोग नहीं हरा पा रहे। 78 लेवल का बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है यार, 78 लेवल वाले को क्या करे गाइस। एक सेकंड के लिए इधर बुलाते हैं, लेट्स गो फायरबॉल अटैक, और एक देते हैं गाइस 14 करके लग रहा है। इसने अपना डिफेंस अप कर लिया यार, जैसे कि इसको डैमेज बहुत ही ज्यादा कम लग रही है।
रही है यार, मैं क्या करूँ भाई। एंड उधर से एक बंदर है भाई, ओए 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 भाई, ये बंदर लोग कितने वीक होते हैं। बट एक सेकंड, मैंने ये रिंग ऑफ मर्सी पहन के रखी है, सो अब ठीक है यार, अब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट ये 78 लेवल वाले को चूल किया है भाई, तू जाना यार, मैं इतना साइड में आ चुका हूँ गाइस, और थोड़ा सा साइड में चलता है, मुझे फालतू का बंगा नहीं लेना। रुक जा। ओए भाई ये अटैक मत कर, इधर आ जा। हम लोगों ना गाइस अच्छे से इसके सामने से जाना है, जिससे कि ये हमसे पंगा नहीं ले ले। देखते हैं हाँ ये कुछ करता है कि नहीं। नहीं 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 भाई कुछ नहीं किया, बट रुक गया। उसको खतरे का एहसास तो हो रहा है भाई। हम लोग थोड़ा साइड में चले आते हैं, एंड वो जा रहा है। आप इसकी भैंस की टांग, ओए ओए तू इधर भाग के क्यों आया। इधर क्या है भाई, पानी में मेरा अटैक्स नहीं लगते यार। ये और एक दिक्कत भरी चीज हो गई। ओ ये ड्रैगन अटैक्स भाई, यार कैसे मारूं इसको। ओए मैंने खुद नदी में गिर गया था भाई, नदी तो नहीं आई ऐसी, इतना बड़ा है समुंदर ही होने वाला है, बट ये आने का नाम नहीं ले रहा है गाइस। प्लीज बाहर आ जा, लेट्स गो बाहर आ जा भाई। ओ एक सेकंड, अभी इसको इसने अपने पायरोलियन के अटैक कॉपी कर लिया भाई, देखा तुम लोगों ने। क्योंकि अगर वो मेरे पायरोलियन का लावा फील्ड होता ना, तो वो मुझे नहीं लगता यार। मतलब ये वाला पोकेमोन कुछ क्रेजी होने वाला है ब्रो, इसको भी दूसरे के अटैक्स कॉपी करना बहुत ही ज्यादा मस्त आता है, बट लगती ही नहीं है। हम लोग ना शॉटगन लेते हैं, मेरे पास है ना अभी शॉटगन का है मेरी, लेट्स गो। बट शॉटगन का डैमेज इतना कम क्यों है यार, बस एक करके ही डैमेज देता है। बट ठीक है, इतने ज्यादा एक टाइम पे हिट हो रहा है तो वो भी सही है यार, वो भी हम लोगों को काउंट करना चाहिए। एंड इसकी वजह से ना हम लोगों को सर में मारने की जरूरत नहीं। ओ भाई मेरे एचपी देखो, पानी में चलो, जल के मर जाऊंगा भाई। बुझा, आग बुझा। भाई साहब पूरी किट्सन आर्मी आ रही है क्या उधर से? एक सेकंड मेरे को देखने दो, और एक किट्सन आ रहा है, लेट्स गो यार, पिटाई होने वाली है अपनी गंदी वाली। ये भी 78 लेवल वाला है भाई, क्या करूं मैं। थोड़ी देर के लिए अपने पायरोलियन को रिटर्न बुला लूं क्या भाई, ज्यादा ही किट्सन आ रहे हैं, जैसे कि देख सकते हो पीछे से भी एक आ रहा है। इधर से ना थोड़ी देर के लिए निकलते हैं गाइस हम लोग, चल इधर से थोड़ा साइड में चलते हैं हम लोग। भाई सारे के सारे किट्सन भड़क गए ना, लेने के देने आनी है भाई, फालतू के बी गार्ड्स लोग यार। हम लोगों को ये बस ध्यान रखना है कि जैसा कि देख सकते हो यार 78 लेवल वाला तो इधर है, आई गेस मैं इसको दिख नहीं रहा हूं, सो हम लोगों को पानी के अंदर से नहीं निकलना चाहिए। बट ठीक है यार, पानी के अंदर इसने अगर देख लिया ना, तो ज्यादा हम पे शक करने वाला है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सो हम लोग ना न्यूट्रली रहते हैं गाइस, अभी अटैक नहीं करने वाले, देखते हैं हां ये क्या करता है। ये बेसिकली जा रहा है, ये कर कुछ नहीं रहा है, सो मैं एक अटैक लॉन्च करके देखता हूँ क्या होता है। लेट्स गो। ओए नदी के उस पार चला गया भाई मेरा अटैक, अबे यार। एंड ये कुछ नहीं कर रहा, ये इधर ही आ रहा है भाई, मुझे लगता है ये फाइट लेने के मूड में है यार। क्यों भाई तू क्यों आ रहा है यार, मैंने क्या बिगाड़ लिया तेरा। थोड़ा साइड में चलना पड़ेगा, अरे यार इतने सारे किट्सन्स के बीच में मैं कहां जाऊं भाई। उधर भी एक किट्सन, लो कर लो बात। अबे भाई जाओ ना भाई इधर से यार, इधर ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? नहीं चढ़ सकते। ये देखो भाई इसको देख रहा है कि उसका बॉस उधर पानी में नहा रहा है कि क्या कर रहा है। अबे जाना यार तू इधर से, तेरा काम क्या ब्रो। शू किट्सन जा, जाएगा नहीं भाई, क्या करूं यार। बट इस किट्सन को तो हराना ही है। तो ये देखो यार, ये बहुत ही ज्यादा बदमाश है, अपने पीछे पीछे आता ही रह रहा है यार, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये वाला किट्सन भी नहाने जा रहा है लगता है, बट अभी देखते क्या ये अपना पीछा करेगा। नहीं किया। वेरी गुड। उस वाले को गाइस हम लोगों को पानी के बाहर लेके आना है किसी भी तरीके से। इधर आ, तेरे से डरता कौन है भाई, तू इधर आ जल्दी से। भाई देख रहे हो वो दूर से अटैक करेगा, फिर भी आएगा नहीं यार। आ जा भाई। लेट्स गो आ रहा है। अभी गाइस हम लोगों को अपनी फाइट फिर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो वाला किट्सन का ध्यान नहीं है इसकी तरफ। इतने सारे किट्सन मिलके मारेंगे ना एक शॉट में, तो मेरी पक्की डेथ हो जाएगी भाई, हड्डियां भी नहीं मिलने वाली है। अरे यार फिर से भाई मेरी अल्ट्रा शील्ड खा जा रहा है, बट ठीक है ये भी तो एक खुद अल्ट्रा पोकेमोन है जो 92 लेवल का है। लाइक मैंने किसी के पास भी फेस किट्सन नहीं देखा है भाई, फर्स्ट टाइम मुझे भी पता चला कि किट्सन का नॉर्मल के सिवाय भी और कोई भी वो ब्रीड है यार, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ब्रो, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बट ठीक है, जैसे कि देख सकते हो इसको हम लोगों ने एनफ डैमेज दिया है, एनफ तो नहीं मतलब हाफ डैमेज दिया है। हम लोग अगर इसको और थोड़ा सा ऐसे गाइस डैमेज देते रहना बहुत ही जल्द, लाइक ज्यादा नहीं 1000 में भी अगर हम लोग इसकी एचपी लेके जाए, तो अपने पास ना अल्टीमेट स्पियर है। ओ गधे मुसांडा तेरा काम क्या है इधर, मेरे को बता दो यार। ये एक ना मुसांडा लोग मुझे पसंद नहीं है, बस भैंस की तरह आगे ना करते रहते हैं यार, एकदम पसंद नहीं।
नहीं भाई, पांडा वैसा साउंड करता है यार, गाय जैसा। तू पांडा है यार, पांडा जैसा साउंड करना भाई। एंड इसको अभी इसको कुछ नहीं हो रहा है क्या ब्रो, तेरे को दिक्कत क्या है? लेट्स गो। खतरनाक अटैक तो हम लोगों ने दिया है इसको भाई। इसकी एचपी बहुत ही ज्यादा ही है भाई, इसको कैसे पकड़ो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 3000 से नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है ये। शॉटगन कहाँ गई मेरी? शॉटगन, लेट्स गो। तेरी वैस्किटा, तेरी वैस्किटा ले ले। ओह ओह भाई, बहुत गंदी वाली डैमेज पड़ी है मेरे को, बहुत ही गंदी वाली। यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। इसको लग रही है 3000 के नीचे ये जाने वाला है, एंड मैं 0 HP में जाने वाला हूँ, बट मैं बच गया किसी तरीके से, मैं सेव हो चुका हूँ। बट देख सकते हो तुम लोग, फाइनली हम लोगों ने इसकी एचपी 3000 के नीचे कर दिया। एंड ये फालतू के टमाटो सीड्स वगैरह क्या ही कुछ नहीं है, ड्रोगन को छोड़ के देखते हैं ड्रोगन के अटैक क्या पता कि इसके ऊपर इफेक्टिव। कहां मारा तूने ड्रोगन, मेरे को ये पता क्या कर रहा है ड्रोगन, कहां कहां मार रहा है भाई? अपना काम है हमें मारना भाई, वो बीम वाला यार फालतू का मस्ती ले रहा है गाइस ड्रोगन हमसे। लग गए 92 लेवल वाला कम था जो इसके साथ, बट इसको हम लोग हरा सकते हैं यार। 78 वाले लेवल का उतना डैमेज नहीं है, बट फिर से देखो मैं रिंग ऑफ मर्सी पहनना भूल गया है यार। एजेटार को छोड़ के देखते हैं क्या गाइस, क्या पता कि किट्सन के ऊपर एजेटार का इफेक्ट हो, क्योंकि अपने एजेटार को एक वाटर अटैक भी आता है, एंड जिससे एक का ही डैमेज लग रहा है भाई। इसका भी डैमेज उतना ज्यादा नहीं है, भले सुपर इफेक्टिव क्यों ना हो, बट देख सकते हो इससे भी कुछ नहीं हो रहा है ब्रो। पायरोलियन फ्रॉस्टालियन को छोड़ के देखना चाहिए शायद, देखते क्या फ्रॉस्टालियन कुछ कर पाएगा। क्रिस्टल विंग भाई, फ्रॉस्टालियन अच्छा चल रहा है, देख इसके सामने मस्त वाला डैमेज दिया था तुम लोगों ने देखा, बट ये वाला एक का है तो चलेगा। कोई तो एक अटैक है एटलीस्ट फ्रॉस्टालियन का जो अच्छा खासा लग रहा है। ये कौन है भाई पानी में यार? बच गया भाई, थोड़े से के लिए बच गया हूं मैं। लेट्स गो, क्रिस्टल विंग से लग रही है बट उतना ज्यादा नहीं है। सो आई गेस गाइस अभी तक तो सबसे ज्यादा अच्छा फाइट ले रहा था पायरोलियन ही। इसके साथ छोड़ना नहीं भाई, इसको छोड़ना नहीं, लात मार के फेंक दे भाई, समुद्र में फेंक दो क्या इसको? नहीं यार, ये मेरे को चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इससे भाई हम लोग नॉर्मली किसी भी किट्सन को हरा सकते हैं, बट उससे भी बड़ी बात पता है क्या तुम लोगों को, हम लोगों के पास 90 लेवल का एक भी पोकेमोन नहीं है, तो इसको पकड़ लेंगे ना शायद। गॉड जेट ड्रैगन को हराने में हम लोगों की हेल्प होने वाली है, बट मेरे एचपी मारेगा। पानी में मूव नहीं कर सकता हूं, पानी में क्यों आया मैं? भाई 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 ग्रैपलिंग गन, ग्रैपलिंग गन कनेक्ट हो गया भाई, मैं बच गया। उफ भाई, ये ले तेरी बैस की आ जा चल। अबे तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, धक्का मुक्की, थोड़ा स्पेस लेके फाइट करो ना यार। देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी 2000 का आ चुका है। अब इसको पकड़ सकते हैं यार, आई गेस इसको अभी हम लोग पकड़ सकते हैं, एक ट्राई देके देखूंगा। ना भाई, मेरे को अपने अल्टीमेट स्पीयर्स ना वेस्ट नहीं करने, लिटरली बस 14 ही है यार, एटलीस्ट 1000 तक तो हम लोग इस एचपी लेके जानी चाहिए क्या? जैसे कि देख सकते हो इसने फिर से अपना लावा फील्ड चला दिया भाई मेरे को मारने के लिए, अपना वाला भी देने वाला है। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। कूद उठा बेचारा, इतना खतरनाक डैमेज देता है ना अपना पायरोलियन भी, उसको हल्के में ले ही नहीं सकते यार। बट ये शॉटगन रीलोड हो जाए यार, बट मुझे पता नहीं यार, क्लोज रेंज में देखो शॉटगन का ज्यादा डैमेज होना चाहिए बस मेरे को लग ना जाए, बट शॉटगन का डैमेज ना एआर से भी कम है। सो मैं एआर में ही शिफ्ट करता हूं, अगर मैं हेडशॉट मारूंगा तो लग रही है यार, लग रही है, फिर भी चार करके तो लग रही है। Let's go भाई, दिया हम लोगों ने। एंड कहाँ गया इसके सर पे ही गाइस हम लोगों को मारना पड़ेगा, बाकी बॉडी शॉट्स मार के इसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो हम लोगों को हेड के लिए ही पूरा एम रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना देखो हम लोगों की बुलेट्स भी खत्म हो जाएगी यार, इतनी तो बुलेट्स भी नहीं है अपने पास। एंड इसका क्या करूं भाई, मैं 1700 में इसकी एज पे आ चुकी है, 1000 जाते ही हम लोग इसको अपना पहला अल्टीमेट स्पीयर मारने वाले हैं। एंड मानो या ना मानो, मुझे लगता है यार अल्टीमेट स्पीयर के एक बॉल से ही ये आ जाना चाहिए भाई, आ जाना चाहिए, बट आने का नाम नहीं ले रहा है यार, बहुत ही ज्यादा ही जिद्दी है ये वाला पोकेमोन। प्लीज आ जाना भाई, क्यों ऐसा कर रहा है? ओ भाई, दूसरा वाला किट्सन आ गया, लेट्स गो, वो भी 78 लेवल का। अब तो उस वाले किट्सन को तो वाटर अटैक भी आता है भाई, मेरे को नहला दिया, लाइक एक मेरे पे आग लगा रहा है तो दूसरा वाला आग बुझा रहा है, इसको कैसे पकड़ू यार? वो देखो बच गया, डार्क अटैक ऊपर से अटैक्स पे अटैक्स भाई, दो किट्सन के साथ नहीं होने वाला, ना 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 ब्रो ना, इतना भी नहीं, बट इसकी पिटाई करना ना इजी है गाइस।
यार इसको ना मैं तेरी बैस की चल 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 भाई कुछ हो रहा है क्या उधर लोग हुआ क्या हम लोग चल के ना 78 वाले को पकड़ लेते हैं भाई। तीन तीन किट्सन पकड़ सकता था मैं बट पायरोलियन सबकी पिटाई कर देता है बच्चों की भाई इसकी पिटाई कर चल चल पायरोलियन ज्यादा नहीं और 400 की HP की खट्टा दे बस मैं इसको सीधा पकड़ के लेके जाने वाला है ना हम लोगों को मजा आने वाला है भाई बहुत ही तगड़ा वाला। एंड ये इधर उधर क्यों भाग रहे है तू रुक जाना भाई एक जगह रुक जा लेट्स गो मैं गया मेरे नीचे ही लावा है मैंने डॉच कर लिया देख देख के सारे लावाओं को लेट्स गो भाई 1100 में आ चुकी है बस और 100 HP अगर घट गई मैं तुम लोगों को बताता हूँ भाई हम लोग फेंकने वाले अपना स्पीयर एंड थोड़ा सा और भाई 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 गया यार बहुत गंदी चोट लगी है बट ठीक है यार इसकी हम लोगों ने HP घटा के बहुत ज्यादा कम कर दी है। ये लास्ट वाली मैगजीन में फायर करने वाला हुआ है इसके बाद मैं इसको पकड़ने वाला हूँ लेट्स गो अभी मेरे को कुछ दिखे तब 100% का कैप्चर रेट मैंने तुम लोगों को कहा था ना देखो अब ना बॉल भी वेस्ट नहीं होने वाला है हम लोगों को मिल गया फेस किट्सन एंड इससे हम लोगों का 2 लेवल अब भी हो चुका है भाई 66 लेवल का भी अपना पायरोलियन हो चुका है तुम लोग समझ पा रहे हो कितना खतरनाक है ये लाइक ये देख सकते हो अभी तो इधर बच्चे वाले किट्सन होने चाहिए थे राइट ये देखो कुछ तो है बाकी लोग शायद इस डंजन के अंदर पूरी आर्मी है भाई इधर से नहीं जाना है चलो 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 भाई पूरी आर्मी के सामने अकेले तो फाइट नहीं लेने वाला है। सो देखो गाइस फर्स्ट वाला तो मिशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है कि हम लोगों ने किट्सन को पकड़ लिया आई मीन डार्क किट्सन को पकड़ लिया है अभी हम लोगों को जाना है इसी एरिया को और भी अच्छे से ढूंढने के लिए जिससे कि हम लोगों को लुकारियो मिल सके एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लुकारियो कहां पे होता है इतने बड़े बड़े माउंटेन्स में कहां ढूंढू यार भाई लेकिन इतने बड़े लाइक इतने बड़े बड़े माउंटेन्स में वो कहां सकता है नीचे होगा क्या ना नीचे यार और एक बॉस है सो इधर तो नहीं हो सकता है लुकारियो यार लेकिन हो कहां सकता है फिर एंड इधर देख सकते हो क्या ही ब्यूटीफुल सा व्यू है अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं रुक जाओ अच्छे से दिखाता हूं मैं इधर देख सकते हो भाई क्या ही खूबसूरत सा व्यू है एंड इतने सारे माउंटेन्स के बीच में आ चुके हम लोग इसके बीच में इसको ढूंढना भी हार्ड होने वाला है यार कहां ढूंढूं मैं इसको इस माउंटेन पे ओह ये कुछ तो अलग जगह है इधर भी चल के देखते हैं बट इधर भी लुकारियो नहीं है यार ओए ओ भाई वो कौन सा पोकेमॉन है भाई साहब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो 88 लेवल का लुकारियो मिल चुका है हम लोगों को गाइस इसके साथ फाइट लेनी पड़ेगी बट ये मुसाना लोग क्या करते हो लो भाई ठीक हुआ ओ लुकारियो किस देखा कैसे मस्त दौड़ता है भाई क्या सही स्पीड है डॉच क्या करता है भाई पूरा निंजा है ओ भाई अनुमिस तो बच्चा यार इसके सामने भाई तुम लोग देख रहे हो लिटरली लुकारियो क्या सही है भाई क्या अभी क्या टेलीपोर्ट कर रहे हैं गाइस इसको भी पकड़ना बनता है यार बट हम लोग अपने डार्क किट्सन को लाना भूल गए जो कि 92 लेवल का था बट अपने पास पायरोलियन भी तो है एंड इसके अटैक से लगने वाला है 84 का डैमेज अबे यार ये लेवल का डिप ना बहुत फास्ट भाई उड़ते उड़ते डॉच कर रहा है यार गाइस तुम लोगों ने लिटरली देखा ना ये आसमान में उड़ रहा था उड़ते उड़ते इसने डॉच की यार आज क्या ही क्रेजी पोकेमॉन्स मिल रहे भाई लुकारियो कहां जा रहे ओ भाई क्या डॉच कर रहा है यार ये तो एक सेकंड ये कहां जा रहा है इसको पकड़ो कैसे भाई इस रेट पे बॉल भी मिस हो जाएगी मेरी तो भाई ये मेरे को देख रहा है कैसे करके बट ये कौन सा अटैक है भाई 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 उड़ा दे रहा है पायरोलियन को क्या से खतरनाक है गाइस वो मुझे नहीं पता था कि लुकारियो इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है भाई ये भाई साहब इसको ये फॉरवर्ड डैश अटैक भी आता है भाई क्या खतरनाक है बट इधर उधर चला जाता है ना यार ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत है इसके ऊपर एम करना ओ भाई लिटरली तुम लोग देख रहे हो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाके डॉच कर रहे है भाई यार इसको पकड़ना तो बनता है लेकिन इसको भाई मैं कैसे एम करूं यार रुक जाओ शॉटगन से शायद हम लोग एम कर पाए इसके ऊपर चैलेंज कर रहे है भाई लुकारियो हमको ओ भाई शॉटगन से 4 का डैमेज लगा है सो 1 का लगा अबे लुकारियो माउंटेन से गिर जाएगा भाई रुक जाओ भाई ये गिर गया ना तो हम लोगों को नहीं मिलने वाला है क्योंकि पूरा माउंटेन से भाग जाएगा यार काश की बस मुझे ना एक चीज का रिग्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है अगर गाइस मैं अपने डार्क लाइक फेस किट्सन को लेके आता ना मजा आ जाता
बट एआर से भी डैमेज दे सकते हैं अभी भी, बट यार अपने पास बुलेट्स बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, ये मैंने जस्ट अभी नोटिस किया, सो बुलेट की तो दिक्कत होने वाली है। उड़ उड़ के वे लुखारियों को डार्क अटैक भी आता है क्या भाई? इसने लिटरली अभी अर्थ अटैक किया, न्यूट्रल अटैक किया, डार्क अटैक किया, और क्या करने वाला, ग्राउंड अटैक भी किया, ऊपर से इसको ये टेलीकिनेसिस भी आती है जिससे ये टेलीपोर्ट भी कर सकता है, एंड इसको मारना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है भाई, मेरी आधे से ज्यादा बुलेट्स तो एक शॉट टेलीपोर्ट कर, हाँ एक करके मारेंगे भाई भाई, लेकिन एम करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है इसके ऊपर यार, नहीं कर पा रहा मैं यार इसके ऊपर एम, ये बहुत ज्यादा फास्ट। ओ भाई अचानक से अटैक चला दिया इसने यार, ओए ओए भाई तो रुक जाना लुकारियो एक जगह, भाई लुकारियो को दिक्कत क्या है, ओए ओए भाई दिक्कत क्या है लुकारी हो तेरे को बता ना भाई, क्यों ऐसे कर रहा है यार, ये ले तेरी तेरी, ओए ओए कहाँ जा रहे है भाई, इतना स्पीड कैसे है भाई, क्या सही मूवमेंट सिखा रहा है यार ये मेरे को, मैं तो फैन हो चुका हूँ लुकारियों का, लुकारियों का हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, अगर ये आए तो बहुत अच्छा ही लगेगा मुझे, बट ये आने का नाम नहीं ले रहा है यार, आने का नाम ही नहीं ले रहा है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो किसी भी तरीके से आने का नाम नहीं ले रहा है भाई ये, भाई प्लीज आ जा, चल 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 लुकारियो लुकारियो कम लुकारियो मेरा भाई, आ जाना भाई लुकारियो, ओ भाई भाग जाता, ये देख सकते हो यार तुम लोग, पकड़ो कैसे इसको मैं भाई, बॉल से कैप्चर रेट बहुत ही लो है, सो नहीं पकड़ सकते अभी, एंड हम लोगों को अपने अल्टीमेट स्पीयर्स वेस्ट नहीं करने, तुम लोगों को बताएगी अल्टीमेट स्पीयर कितना ज्यादा महंगा होता है भाई, लिटरली मेरा घर जाएगा भाई, इतना ज्यादा महंगा होता है। लेट्स गो, आग लगा दिया, पायरोलियन ने अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज किया कि जब तक ये चलता रहेगा अब इसको डैमेज लगेगा भाई, लेट्स गो, इसके ऊपर से आग नहीं बुझने देनी है, फायर अटैक के सामने लुकारियो वीक लग रहा है मुझे गाइस, एंड इसका ये डॉच देखो कैसे हिट करूं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बंदे का, वो देखो डॉच कर लिया फिर से यार 4000 में, बट इसकी एचपी आ चुकी है 7000 से, देख रहे हो क्या सही भागता है भाई इधर उधर, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया भाई, क्या कर रही है, मेरा सर घूम रहा है भाई, ओ यार ये वाला पोकेमोन मेरे पास नहीं था, एंड मैं खुद को पोकेमोन मास्टर बोल रहा था क्या भाई, मुझे शर्म आनी चाहिए गाइस, मुझे लुकारियो पकड़ना ही पड़ेगा तभी जाके हम लोग बन सकते हैं पोकेमोन मास्टर, जैसे कि देख सकते हो फिर से अच्छा खासा डैमेज गया है लुकारियो के ऊपर, क्या ये पॉसिबल है इसको भी, लेट्स गो, ये ले डैमेज, ये ले तेरी भैंस की टांग, बाय द वे गाइस मेरे दिमाग में ना एक मस्त आइडिया है, क्यों ना अगर हम लोग लुकारियो के साथ किसी की ब्रीडिंग कराए वो कैसा होने वाला है भाई, लाइक लुकारियो फर्स्ट टाइम इस गेम में हम लोगों को दिखाया, उसी के साथ पीएस किट्सन भी हम लोगों को पहली बार इस गेम में दिखाया, सो मेक श्योर कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि हम लोग ना इनकी ब्रीडिंग किस किस के साथ करवा सकते हैं भाई, वो भी खतरनाक खतरनाक वाली, एंड देख सकते हो यार कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई इसको, तो यार मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है भाई, यार प्लीज प्लीज लुकारियो स्टॉप, रुक भाई स्पीड देखो भाई स्पीड, फैन हो गया भाई मैं लुकारियो का, फैन हो गया अनुबिस बच्चा है भाई इस गेम में, लिटरली लुकारियो से ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी, इतना ज्यादा फास्ट है लुकारियो, एंड एक सेकेंड अगर इस गेम में लुकारियो को भी दे दिया तो सोच के देखो पोकेमोन में लुकारियो के साथ हम लोग मेगा इवॉल्व भी कर सकते थे, सो क्या हम लोग इसके साथ भी मेगा इवॉल्व कर सकते हैं क्या, फिर तो लुकारियो और भी ज्यादा गॉड डैम पावरफुल हो जाने वाला है भाई, लुकारियो पकड़ना पड़ेगा यार, 3000 में एचपी तार दिया हम लोगों ने इसकी, एंड इसने एक शॉट में मेरी अल्ट्रा शील्ड खा गया, लाइक बुरा भी नहीं लग रहा है ये, इतना ज्यादा पावरफुल है ना कि डिजर्विंग है भाई इसका, बट लुकारियो को हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा किसी भी तरीके से, ये ले लुकारियो भाई रुक जाना यार एक मिनट के लिए, लुकारियो प्लीज यार अपने पायरोलियन को चैलेंज कर रहा है भाई, एंड पायरोलियन के अटैक्स नहीं आ पा रहे, ये इतना ज्यादा फास्ट है ब्रो, मैं इस पत्थर के पीछे छुप जाता हूँ, ये कुछ मारने वाला है जैसे देख रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, कहा था मैंने तुम लोगों को कहा था कुछ मारने वाला है यार, फिर से दो दिया ये लग गया ना मेरा खत्म, बच गया भाई थोड़े के लिए, बच गया यार मेरे को ना गाइस थोड़ी देर के लिए इस फाइट में शांति से रहना है जिससे कि मेरी शील्ड चार्ज हो जाए, बस ये मेरे पे एम नहीं करे, तू बढ़िया इधर ये आ रहा है क्यों, उधर जा हाँ सही है मेरा शील्ड आने दो, बस शील्ड आ गई ना हम लोग इसके साथ मस्त तरीके से फाइट ले सकते हैं, एंड जैसा कि देख सकते हो शील्ड आने का टाइम हो चुका है, पर टाइम नहीं अभी तक, लेट्स गो आना शुरू हो चुकी है, बस हम लोग को अभी लुकारियों को हरा देना है भाई, लुकारियों भाग ना जाए इससे हम लोगों से, अरे भाई लगी भाई ब्रो यार आई एम नॉट इवन किडिंग, ये कितना ज्यादा फास्ट है, इसका स्टैमिना बार कितना है भाई, लाइक लिटरली सोचो ये तब से ऐसे इंस्टेंटली मूव किया जा रहा है, एंड ये टायर्ड भी नहीं हुआ है जरा सा भी, एंड 1%
पोकेमोन का भी इसका मूवमेंट डाउन नहीं हुआ है, मेरे को तो भाई चौक लग रहा है। कोई पोकेमोन इतना ज्यादा फुर्तीला हो सकता है क्या भाई? मैं थक गया यार, तू क्यों नहीं थक रहा है लुकारियो? बट इसको तो पकड़ना पड़ेगा। लुकारियो इधर आ। जल्दी कहा गया मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। दिया फिर से दिया, अच्छा खासा गाइस हम लोगों ने इसको डैमेज दिया। 2000 में इसकी एचपी हम लोग ले आ चुके हैं। अगर पायरोलियन नहीं होता ना, मैं 2 मिनट ना टिक पाता इसके सामने। देखना चाहते हो क्या? देखो एजेडार को मैं उतारता हूँ, ठीक है? एजेडार का डैमेज देखना तुम लोग। भाई पत्थर से बच गया मैं। एजेडार मारना भाई, क्या कर रहा है एजेडार? देखो एजेडार भी बोल रहा है भाई मेरे सामने स्पीड दिखाएगा। ये देखिए देख भाई, स्पीड का कॉम्पिटिशन चल रहा है दोनों में। लुकारियो चिड़ के चैलेंज कर रहा है ब्रो ऊपर से। अबे एजेडार तू इधर आ भाई, क्यों मस्ती मार रहा है? अटैक करना भाई। वो देखो वो एजेडार क्या कर रहा है तू? चलो फाइनली गाइस एक अटैक किया, 8 का डैमेज एंड वाटर अटैक से 1 का डैमेज लग रहा है। सो तुम देख के समझ गए। बट ड्रोगन को हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, ड्रोगन को भी छोड़ के देखते हैं। ड्रोगन भाई चल खतरनाक सा अटैक, लेट्स गो। 27 का अटैक, नॉट बैड। ड्रोगन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लाइक अपने पायरोलियन जितना तो पावरफुल है यार। पायरोलियन कितना एग्जैक्टली डैमेज दे रहा था मैं भूल गया, रुक जाओ एक सेकंड ना, देखते हैं पायरोलियन कितना दे रहा है। पायरोलियन इधर आ, इसको हम लोग चढ़ के इसके ऊपर ना फायरबॉल चला के देखते हैं इससे कितना लगेगा, कितना लगेगा। ओके पायरोलियन का अटैक फिर भी बहुत ज्यादा है भाई, लाइक ड्रोगन के अटैक से भी ज्यादा है। बट ये धक्का मुक्की में आ चुका है भाई, इसको नहीं छोड़ सकते। लेट्स गो भाई, फाइनली 1500 में हम लोग इसकी एचपी उतार चुके हैं। बस और थोड़ी सी एचपी उतार देना किसी तरीके से। तो भाई मैं डर गया था ना कि अगर इसने डॉच कर लिया ना, मैं सीधा ये देख सकता हूँ पहाड़ के नीचे चला जाता अपना ही पायरोलियन का शॉट खा के। बट फाइनली 1400 में एचपी आ चुकी है, थोड़ा सा और यार। लुकारियो मान जाना भाई, एक तो ये रुकता नहीं है ना यार, पायरोलियन भी कंफ्यूज हो चुका है। तुम लोग देख सकते हो भाई कहां मारे जा रहा है तब से। बट और थोड़ा सा ही इसको लो करना है, पूरा फ्लेम फील्ड डॉच कर ले रहा है। देखो इतना ज्यादा फास्ट है भाई 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 कहां जा रहा है इतना फास्ट है ऐसे? भाई यार बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से फास्ट है ये। बट इसको डैमेज पड़ाएगा इस उतने ज्यादा मूवमेंट की वजह से ना, इसने अपना डिफेंस को सैक्रिफाइस किया था जिससे कि अपना डैमेज इसको और भी ज्यादा लगा है भाई। बट पायरोलियन के अटैक्स भी कुछ अलग ही है। बट इस बार गाइस हम लोग पायरोलियन को नहीं रखने वाले, हम लोग ड्रोगन को भी बुलाते हैं। ड्रोगन को भी खतरनाक डैमेज आता है, बट मैं बच जाऊं तो यार ब्रो बच गया भाई। लेट्स गो, ड्रोगन देने वाला है अपना बीम। लेट्स गो और थोड़ा सा लो एंड मैं श्योर हूं कि हम लोग इसको 100% तो पकड़ ही सकते हैं। बट गायब हो गया। ओ भाई इधर कब आ गया ये? ओए मैं कहां चला जा रहा हूं भाई, पहाड़ के नीचे चला जाऊंगा इस रेट पे तो। लेट्स गो 793 आई गेस इसको पकड़ सकते हैं। बट मुझे जरा सा भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि देखो अगर मैं अभी लेजेंडरी स्पीयर फेंकू ना तो इससे कुछ नहीं होने वाला ब्रो, कुछ भी कर लो। लाइक देख सकते हो मैं लिटरली स्पैम कर रहा हूँ, पीछे भी मार रहा हूँ, बट इसको कुछ नहीं हो रहा है यार। मेरे पास बस 2 ही लेजेंडरी स्पीयर्स है, सो मैं उनको वेस्ट नहीं करने वाला। हम लोग इसकी बस और 200 एचपी घटाने वाले हैं। आई एम श्योर इस गेम के सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पोकेमोन को करने वाले हैं आज हम लोग। लेट्स गो गाइस, हम लोगों ने इसकी 500 में एचपी ला दी है, 20% अप पे यार। क्या ये आएगा भाई, क्या ये आने वाला है? क्या लुकारियो आने वाला है हम लोगों के पास? क्या लुकारियो मिल चुका है ना, हम लोगों का लेवल अप भी हो चुका है भाई। इधर कुछ मिला है क्या हम लोगों को नया? भाई जैसा कि देख सकते हो हम लोगों को मिली है स्नाइपर राइफल, उसी के साथ साथ लेजेंडरी आर्मर। ओ भाई लेजेंडरी नी सारी चीजें मिली है हम लोगों को, सारी चीजें हम लोगों को बनानी पड़ेंगी यार। सो गाइस अभी ना हम लोग सबसे पहले अपने बेस में चल लेते हैं, और वो भी थंडर क्लाउड की मदद से। जल्दी से चल के देखते हैं भाई, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है यार। ऑलराइट गाइस, सो जैसा कि देख सकते हो अभी हम लोग अपने बेस में आ चुके हैं, बट अभी अपने लुकारियों को भी तो निकालना है। एंड गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हम लोगों के पास है अपना खुद का लुकारियो। बट ये ऐसे कंफ्यूज क्यों है ब्रो, कितना सही लग रहा है। उसी के साथ साथ तुम लोगों को पता है कि हम लोग को मिला है आज, अरे ड्रोगन कहां से आ गया? फीस किट से आना चाहिए था भाई, पोपट हो गया मेरा तो। जैसा कि देख सकते हो और एक हम लोगों को मिल चुका है फीस किट से, जो क्या ही प्यारा लग रहा है यार। उसी के साथ साथ हम लोगों को आज नया आर्मर भी मिला है, सो हम लोग ना चेक करके देखते हैं क्या हम लोग इससे बना सकते हैं। बट इसको बनाने के लिए मेरे पास लेदर कम पड़ रही है, दोनों के सीन में ही सेम है भाई। बट मुझे ना ये रेड वाला बनाना ही है, सो मैं ना जल्द से
थोड़ी सी लेदर इकट्ठा कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैंने थोड़ी बहुत तो इकट्ठा कर लिया लेदर, आई गेस इतनी तो एनफ होनी चाहिए। देख सकते हो हम लोग दो बना सकते हैं, ठीक है। एक है लेजेंडरी आर्मर, एक है लेजेंडरी कोल्ड रेजिस्टेंट आर्मर। सो मुझे गाइस ये वाला ज्यादा ही पसंद आया है। एंड एक सेकेंड, इसको बनाएगा कौन भाई? ये बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो हम लोग ना अपने लुकारियों को छोड़ के देखते हैं। लुकारियो बना तो सकता है, बट मुझे लगता है ना गाइस कि काम करने के लिए अनुबी ज्यादा बेटर है। लाइक लुकारियो थोड़ा सा स्लो है, बट ये फाइटिंग में तो भाई लुकारियो अनुबी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एनीवेज गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करना, एंड मेक श्योर कि तुम लोग कमेंट्स में ये भी बताना कि हम लोग लुकारियो है ना अपने फेस किट्सन के साथ किसकी ब्रीडिंग करवाए। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वाली ब्रीडिंग वीडियो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। बाय बाय।